गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल। अनाउंसमेंट का एक तो ये है प्राइस हाइक का, एक अनाउंसमेंट है प्राइस हाइक गेट एंड ईएससी का, और एक अनाउंसमेंट है नए बैचेस को लेकर। जो मेरा वाला कोड है जीएस लाइव, आप किसी भी एजुकेटर के कोड से एनरोल कर सकते हैं। मेरा वाला कोड ये है जीएस लाइव। ठीक है, सब्जेक्ट पर आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में कुछ पॉइंट। आज हमारा डिस्कशन है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे। सबसे पहला वर्ड आया बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इसमें क्या समझते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। इसको तीन तरह से बांटा है। अब ये वेरिएशन किन कारणों से है? ये जो वेरिएशन है, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, तो ये वेरिएशन किन कारणों से है? ये वेरिएशन किन कारणों से है? सबसे पहला है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, सबसे पहला स्पीसीज डाइवर्सिटी। दूसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी, और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के तीन हिस्से हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा, वॉइस ठीक आ रही है सभी को? वॉइस ठीक आ रही है सभी को? ठीक। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब इसके तीन वेरिएशन है, एक है स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, और एक है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है जो प्रजातियां हैं उनके बीच में वेरिएशन, मतलब बिटवीन द स्पीसीज, बिटवीन द स्पीसीज वेरिएशन, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। बिटवीन द स्पीसीज वेरिएशन, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। लिखने की क्या जरूरत है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इसमें नोट्स तो ऑलरेडी कॉपी बना रखी होगी आपने, अब इतने कम टाइम में आप रिवीजन कोशिश करो, पूरे दोबारा नोट्स लिखे जाए जरूरत नहीं है। तो वेरिएशन,
बायोडाइवर्सिटी वेरिएशन लाइफ के जो अलग अलग फॉर्म है किन कारणों से है। पहला वर्ड आया स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो स्पीसीज के बीच में जो वेरिएशन है दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। कि आपको बफेलो अलग दिख रही है, टाइगर अलग दिख रहा है, क्योंकि वो स्पीसीज ही अलग है आपस में, तो वो वेरिएशन स्पीसीज डाइवर्सिटी है। स्पीसीज सेम हो, सेम स्पीसीज में भी तो वेरिएशन होता है, 100% थोड़ी मैच होते हैं। स्पीसीज जो होती हैं उनमें भी आपस में वेरिएशन होते हैं, 100% मैच थोड़ी होता है। जैसे मान लो ह्यूमन है कई सारे, 90% तक कॉमन होंगे, 10-15% उनमें भी तो आपस में वेरिएशन है। ये वेरिएशन कैसे बोला जाएगा? ये वेरिएशन बोला जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब वेरिएशन विद इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर वेरिएशन, जेनेटिक स्ट्रक्चर वेरिएशन विद इन द सेम स्पीसीज, जेनेटिक स्ट्रक्चर वेरिएशन विद इन द सेम स्पीसीज। तो एक हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी, दूसरा हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो बिटवीन द स्पीसीज वेरिएशन, स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक ही प्रजाति के बीच में इंडिविजुअल अलग अलग होना जेनेटिक डाइवर्सिटी। तीसरा आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो पहला हो गया स्पीसीज, दूसरा हो गया जेनेटिक, तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा, अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में अल्फा बीटा एंड गामा। जब आप इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डिफाइन करोगे तो पहले आपको बताना पड़ेगा आप इकोसिस्टम किसको कह रहे हो। आपने कहा सर ये फॉरेस्ट एरिया एक इकोसिस्टम है, ये लेक दूसरा इकोसिस्टम है, तो किसको आप इकोसिस्टम कह रहे हो पहले आप डिफाइन करो। आपने कहा मैं इसको इकोसिस्टम मान रहा हूँ, फिर आपने कहा मैं इसको इकोसिस्टम मान रहा हूँ। तो ये है मान लो इकोसिस्टम वन, इसमें जो स्पीसीज है एस वन, ये है इकोसिस्टम टू, स्पीसीज है एस टू। तो इकोसिस्टम जिसको आपने माना पहले आपको बताना पड़ेगा। आपने कहा मैं इसको इकोसिस्टम मान रहा हूँ, तो ये हो गया इसके अंदर जो स्पीसीज है वो अल्फा, जिसको आपने इकोसिस्टम माना है उसके अंदर जो स्पीसीज है वो अल्फा। इसको आपने इकोसिस्टम माना है तो ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। जिसको आपने इकोसिस्टम माना है वो अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाने पर लाइफ में बदलाव आ जाना यही बीटा है। एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाने में लाइफ में चेंज आ जाना यही बीटा है, मतलब बीटा है बिटवीन द इकोसिस्टम वेरिएशन, बिटवीन द इकोसिस्टम वेरिएशन। और अल्फा क्या था? विद इन द सेम इकोसिस्टम, अल्फा था विद इन द सेम इकोसिस्टम। विद इन द सेम इकोसिस्टम फिर है गामा, टोटल बायोडाइवर्सिटी ओवर लार्ज एरिया, टोटल बायोडाइवर्सिटी ओवर ए लार्ज एरिया, किसी एरिया की टोटल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक बीच में इंडिविजुअल आपस में अलग अलग, क्योंकि जीन्स 100% मैच तो कर नहीं सकते। फिर आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा। अल्फा है विद इन द इकोसिस्टम जो स्पीसीज है, बीटा है बिटवीन द इकोसिस्टम वेरिएशन, और गामा है टोटल बायोडाइवर्सिटी ओवर लार्ज एरिया, गामा है टोटल बायोडाइवर्सिटी ओवर ए लार्ज एरिया। यहां तक की कहानी कंप्लीट। इसके बाद एक शब्द आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी एंड टाइप्स, अब है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाई नॉर्वे इन
Norman Myers in 1988. Biodiversity hotspot concept was given by Norman Myers in 1988. क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? एक ऐसा बायोजोग्राफिकल एरिया जो बायोडाइवर्सिटी रिच हो और खतरे में आ गया हो. एक ऐसा बायोजोग्राफिकल एरिया जो बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच हो और खतरे में आ गया हो, दोनों कंडीशन हो जहां पर, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इट इज एन biogeographical region which is highly rich with it is in biogeographical region which is highly rich with biodiversity, but its flora and fauna are under constant threat due to excessive human activities. So biodiversity hotspot, this concept was given by Norman Myers in 1988. It is an biogeographical area highly rich with biodiversity, but flora and fauna are under constant threat due to excessive human activities. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच एरिया है और खतरे में है. बायोडाइवर्सिटी वाइज रिच एरिया है और खतरे में है, थ्रेट में है. तो दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाई नॉर्मन मायर्स इन 1988. इट इज एन बायोजोग्राफिकल एरिया विच इज हाईली रिच विद बायोडाइवर्सिटी but under threat due to excessive human activities. So there are two criteria to qualify as a hot spot. पहला क्राइटेरिया का, कम से कम 1500 प्रजातियां लोकल होनी चाहिए वहां की. कम से कम 1500 प्रजातियां वहां लोकल होनी चाहिए. एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर और हायर प्लांट्स must be present as endemic or native. So to qualify as a hot spot, दो क्राइटेरिया होने चाहिए. कम से कम 1500 प्रजातियां वेस्कुलर प्लांट या हायर प्लांट की लोकल होनी चाहिए, और पूरी दुनिया में जितनी प्रजातियां हैं या तो उसका 0.5% मान लो. तो कम से कम 1500 प्रजातियां वेस्कुलर या हायर प्लांट की प्रेजेंट होनी चाहिए. एंडेमिक मतलब लोकल प्रजातियां. एनिमल्स के लिए अलग सेपरेट क्राइटेरिया नहीं रखा, क्योंकि 1500 प्रजातियों का मतलब है हजारों पेड़ होंगे. तो एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर और हायर प्लांट मस्ट बी प्रेजेंट एज एंडेमिक और नेटिव, और एक एक प्रजाति के हजारों लाखों पेड़ होंगे. तो या तो 1500 प्रजातियां हो हायर प्लांट की, या 0.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल, पूरी दुनिया में जितनी प्रजातियां हैं उनका 0.5% से ज्यादा हो. ठीक है, तो कम से कम 1500 प्रजातियां हो हायर प्लांट की लोकल, या पूरी दुनिया में जितनी है उनका 0.5% से ज्यादा हो इसी एरिया में, दोनों में से कोई एक बात. और मोर देन 70% एरिया लॉस, मोर देन 70% रीजन लॉस, 70% से ज्यादा यह हिस्सा खत्म हो चुका है.
70% से ज़्यादा हिस्सा खत्म हो चुका है। तो जब दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होंगे तब हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाई नॉर्मन मायर्स 1988। इट इज एन बायोजोग्राफिकल एरिया, इट इज एन बायोजोग्राफिकल एरिया विच इज हाईली रिच विद बायोडाइवर्सिटी, पर फ्लोरा एंड फौना प्लांट्स एंड एनिमल लगातार खतरे में है एक्सेसिव एक्टिविटीज की वजह से। और हॉटस्पॉट बनने के लिए दो कंडीशन है, कम से कम 1500 प्रजातियां हायर प्लांट की वहां लोकल हों, या पूरी दुनिया में जितनी है उनका 0.5% से ज़्यादा हो। कम से कम 1500 प्रजातियां हायर प्लांट की वहां लोकल होनी चाहिए, या पूरी दुनिया में जितनी है उनका 0.5% से ज़्यादा हो, और 70% से ज़्यादा हिस्सा ही खत्म हो चुका है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमें पता लग गया कि ये एरिया बायोडाइवर्सिटी रिच है और खतरे में है, ये एरिया बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है और खतरे में है। पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर हुए, इंडिया में इसमें से 4 हैं। पूरी दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, इंडिया में है 4, तो 4 इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। 4 इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? एक तो है वेस्टर्न घाट्स, इसको सह्याद्री भी कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री। दूसरा है इंडो म्यांमार, कुछ हिस्सा इंडिया का है कुछ म्यांमार का है, इंडो म्यांमार। एक है ईस्टर्न हिमालय, एक है सुंडालैंड। सुंडालैंड में इंडिया का सिर्फ एक हिस्सा पड़ता है, निकोबार। तो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टोटल हैं, जिसमें 4 इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, एक वेस्टर्न घाट, एक इंडो म्यांमार, एक ईस्टर्न हिमालय और एक सुंडालैंड। सुंडालैंड में इंडिया का केवल एक हिस्सा है निकोबार, बाकी सब बाहर के एरिया है। इसमें वेस्टर्न घाट लाई करता है 6 स्टेट में, वेस्टर्न घाट 6 राज्यों में लाई करता है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु, गुजरात से लेकर तमिलनाडु का एरिया। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, 6 राज्यों में। इंडो म्यांमार में भारत के 4 राज्य पड़ते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके बाद ईस्टर्न हिमालय और सुंडालैंड। सुंडालैंड में इंडिया का सिर्फ एक ही एरिया है निकोबार, बाकी सब बाहर के एरिया है। 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टोटल, जिसमें इंडिया के 4, वेस्टर्न घाट, इंडो म्यांमार, ईस्टर्न हिमालय, सुंडालैंड। अब वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनना, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मानसून की एंट्री होती है इस तरफ से, मानसून की जो एंट्री होती है वो केरला साइड से, वेस्टर्न घाट का एरिया है, इसी तरफ से एंट्री होती है केरला साइड से, ठीक है। अब अगर वेस्टर्न घाट एरिया ही डैमेज हो गया, मानसून की एंट्री होती है इस तरफ से, अगर वेस्टर्न घाट एरिया डैमेज हो गया तो मानसून अफेक्ट होगा, क्लाइमेट पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, इसके चेयरमैन बनाए गए माधव गडगिल। तो इन 2010 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल।
In 2010, Government of India constituted Western Ghat Ecology Expert Panel under the chairmanship of Madhav Gadgil. In 2010, Government of India constituted Western Ghat Ecology Expert Panel under the chairmanship of Madhav Gadgil to check the status of Western Ghats. In 2010, Government of India constituted Western Ghat Ecology Expert Panel under the chairmanship of Madhav Gadgil to check the status of Western Ghats. और 2011 में ही इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा की और इस कमेटी ने कहा कि ये इको सेंसिटिव एरिया हो गया है, इस एरिया की स्थिति खराब है, ये इको सेंसिटिव एरिया हो गया. तो इन 2011 इको सेंसिटिव एरिया इसको डिफाइन कर दिया गया, तीन हिस्से में बांट दिया, इको सेंसिटिव जोन वन, जोन टू, जोन थ्री. तीन हिस्से में बांट दिया गया, जोन वन, जोन टू, जोन थ्री. कहीं कहीं पे एक्टिविटीज थोड़ी बहुत अलाउड, कहीं पे और ज्यादा, कहीं बिल्कुल नहीं. तो इन 2010 गडगिल कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. एंड डिक्लेयर्ड वेस्टर्न घाट्स एज इको सेंसिटिव एरिया. तो इन 2010 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माधव गडगिल टू चेक द स्टेटस ऑफ वेस्टर्न घाट. 2011 गडगिल कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट एंड डिक्लेयर्ड वेस्टर्न घाट्स एज इको सेंसिटिव एरिया. वेस्टर्न घाट को डिक्लेयर कर दिया इको सेंसिटिव एरिया. लोकल लोगों ने विरोध कर दिया कि इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर हो गया, कुछ कुछ एरिया में एक्टिविटी बिल्कुल बंद करने के लिए रिकमेंड किया, कुछ कुछ एरिया में एक्टिविटीज बिल्कुल बंद कर दी जाए ये रिकमेंड किया. ठीक है, तो लोकल लोगों ने विरोध किया कि हमारे एम्प्लॉयमेंट का क्या. तो फिर एक कमेटी बनी, हाई लेवल वर्किंग ग्रुप एक ये कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कस्तूरी रंगन. टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. तो हाई लेवल वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कस्तूरी रंगन, ये कमेटी बनी कि एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के बीच में बैलेंस बना के रखा जाए, कि एनवायरमेंटल एक्टिविटीज भी चलती रहें, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चलती रहें. तो पहली गडगिल कमेटी, इन्होंने इसको इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया. दूसरी हाई लेवल वर्किंग ग्रुप कस्तूरी रंगन कमेटी, इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बैलेंस बना के चलें कि इन्वायरमेंट का भी नुकसान ना हो, लोगों की जॉब को भी ज़्यादा लॉस ना हो, दोनों का बैलेंस बनाए. तो क्वेश्चन यही है कि दोनों कमेटी का जिक्र आ जाए, दोनों कमेटी किसके बारे में है, वेस्टर्न घाट्स के बारे में. अब आता है टॉपिक कि बायोडाइवर्सिटी को खतरा किन चीज़ों से है, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, कि क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी कम होने के, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को खतरा है हंटिंग, पोचिंग, मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. हंटिंग, पोचिंग एंड मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. उसके अलावा हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, फ्रेगमेंटेशन. इसके बाद आता है नॉन नेटिव स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव
एग्जॉटिक, एलियन, फॉरेन, इन्वेजिव स्पीसीज। तो थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को किन किन चीजों से खतरा है? हंटिंग, पोचिंग, मैन वाइल्ड कंफ्लिक्ट। पोचर्स होते हैं स्मगलर्स, जो जानवरों को मार देते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, जानवरों को मार देते हैं बॉडी पार्ट्स के लिए। तो हंटिंग, पोचिंग, मैन वाइल्ड कंफ्लिक्ट एक तो कारण ये है, दूसरा हैबिटेट लॉस, जंगलों का खत्म होना और फ्रेगमेंटेशन होना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक कंटिन्यूस एरिया, आपने उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ये कंटिन्यूस एरिया है, आपने उसके कई टुकड़े बना दिए, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो स्पीसीज हैं वो एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, नए एरिया में ग्रो नहीं कर पाएंगे, नए एरिया में ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन क्रिएट्स अ बैरियर। फ्रेगमेंटेशन क्रिएट्स अ बैरियर विच लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ स्पीसीज टू डिस्पर्स एंड कॉलोनाइज इन न्यू एरियाज। तो फ्रेगमेंटेशन एक तरह से बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे प्रजातियां एक्सपेंड नहीं कर पाते और आगे नहीं ग्रो कर पाते। तो फ्रेगमेंटेशन एक तरह से बैरियर क्रिएट कर देगा जिससे प्रजातियां एक्सपेंड नहीं हो पाएंगी, आसपास के एरिया में फैल नहीं पाएंगी। इसके बाद टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव, ऐसी प्रजातियां जो यहाँ की लोकल नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव, एग्जॉटिक, एलियन, फॉरेन या इन्वेजिव। इन्वेजिव मतलब कब्जा कर लेना, इन्वेजिव का मतलब है कब्जा करने वाला। तो ये प्रजातियां जो आसपास के एरिया में फैल गई, ग्रो कर गई, ये ऐसी स्पीसीज हैं जो यहाँ की लोकल है नहीं, ये यहाँ पर आई और यहाँ के एरिया में सेटल कर गई, ग्रो कर गई, जैसे कि यूकलिप्टस। यूकलिप्टस इसे कहते हैं इकोलॉजिकल टेररिस्ट। यूकलिप्टस कॉल्ड एज इकोलॉजिकल टेररिस्ट। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। यूकलिप्टस कॉल्ड एज इकोलॉजिकल टेररिस्ट। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्री है ये, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्री, वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट ट्री, वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट ट्री आफ्टर सिकोइया। सिकोइया का दूसरा नाम है रेडवुड। ये पाया जाता है कैलिफोर्निया, यूएस। कैलिफोर्निया, यूएस। तो यूकलिप्टस कॉल्ड एज इकोलॉजिकल टेररिस्ट, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ट्री है सिकोइया के बाद, इसको रेडवुड भी कहते हैं, कैलिफोर्निया, यूएस में पाया जाता है। यूकलिप्टस के बाद फिर है वाटर हयासिंथ, जलकुंभी। वाटर हयासिंथ और इकोर्निया। इसके अलावा एक आर्जमोन, एक है लेंटेना, एक है पार्थेनियम। पार्थेनियम को हम कांग्रेस ग्रास और कैरेट ग्रास भी कहते हैं। कांग्रेस ग्रास और कैरेट ग्रास। तो यूकलिप्टस, वाटर हयासिंथ, आर्जमोन, लेंटेना, पार्थेनियम, ये सब प्रजातियां हैं।
इसके बाद यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, स्मोक, एसिड रेन, तो यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, स्मोक, एसिड रेन, ये सारे के सारे कारण हैं बायोडाइवर्सिटी के कम होने के। बायोडाइवर्सिटी को किन चीज़ों से खतरा है, हमने शुरू में ही बोला, ये सारे रीजन थे, हंटिंग, पोचिंग, मैन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट्स, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, फ्रेगमेंटेशन, ऐसी प्रजातियों को ग्रो करना जो यहाँ की लोकल प्रजातियाँ नहीं हैं, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ये सारे ही कारण हैं बायोडाइवर्सिटी खत्म होने के। जैसे एक हमने लिखा यूट्रोफिकेशन, कई बार आपने वाटर बॉडीज के ऊपर देखा होगा एल्गी ग्रो कर जाता है, वाटर बॉडीज के ऊपर एल्गी की ग्रोथ हो जाती है, एल्गी ग्रो कर जाता है। अब मान लो ये कोई लेक है, इसके आसपास में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, फार्म लैंड है, इधर लेक है, इधर फार्म लैंड है, तो फार्म लैंड है उसके ऊपर कुछ न्यूट्रिएंट यूज हो रहे होंगे। सबसे कॉमन न्यूट्रिएंट है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सबसे कॉमन न्यूट्रिएंट एनपीके। अब ये न्यूट्रिएंट बारिश के पानी के साथ बहकर या इरिगेशन वाटर के साथ ये जाएंगे वाटर बॉडी में, ये न्यूट्रिएंट एनपीके बारिश के पानी के साथ या सिंचाई के पानी के साथ इस वाटर बॉडी में जा रहे हैं बहकर। वाटर बॉडी के अंदर ग्रासेस वगैरह ऑलरेडी हैं, इसमें एल्गी वगैरह भी है ऊपर, तो वाटर बॉडी के अंदर ग्रासेस वगैरह भी हैं, ऊपर सरफेस पे एल्गी ग्रो कर रहा है, मछलियां वगैरह है इसमें। अब ये न्यूट्रिएंट यहां से बहकर इसमें गए, तो जब ये न्यूट्रिएंट हमारी क्रॉप को ज्यादा ग्रो कर सकता है, जब ये न्यूट्रिएंट हमारी क्रॉप को ज्यादा ग्रो कर सकता है तो एल्गी वगैरह को भी ज्यादा ग्रो कर सकता है, इस एल्गी वगैरह की ग्रोथ बढ़ने लगेगी, इसकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी, इसका मतलब न्यूट्रिएंट बढ़ेगा। अब ये जो प्रजातियां इस एल्गी पे डिपेंड होंगी, इसको खाती होंगी, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, इसको जो खाती होंगी उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, तो मछली वछली और बढ़ गई, तो न्यूट्रिएंट बढ़ा तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ी, न्यूट्रिएंट बढ़ा तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ी। और भी सोर्सेस से एनपीके इंटर कर रहे हैं, और भी सोर्सेस से एनपीके इंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये और बढ़ने लगेगा, और भी कई सोर्स हैं जिनके द्वारा एनपीके की एंट्री हो रही है, ये बढ़ता बढ़ता एक समय ऐसा आएगा पूरा सरफेस कवर कर लेगा। अब अगर एल्गी ने पूरा सरफेस घेर लिया तो फिर लाइट और ऑक्सीजन कम होने लगेगी, तो शुरू में तो खाना बढ़ा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ी, एक लेवल के बाद क्या हुआ, न्यूट्रिएंट अगर इससे ज्यादा बढ़ा तो बायोडाइवर्सिटी पर उल्टा प्रभाव, बायोडाइवर्सिटी पर इससे ऊपर गए तो उल्टा प्रभाव, क्लियर है। जैसे जैसे ये बढ़ने लगेगा, एनपीके और आने लगेगा, ये पूरा सरफेस कवर कर लिया,
तो न्यूट्रिएंट बढ़ा तो बायोडायवर्सिटी बढ़ी, अगर न्यूट्रिएंट एक लेवल के ऊपर गया तो बायोडायवर्सिटी कम होने लगी। न्यूट्रिएंट बढ़ा तो बायोडायवर्सिटी बढ़ी, एक लेवल से ज्यादा बढ़ा तो बायोडायवर्सिटी पर उल्टा प्रभाव कम होने लगा। तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट बढ़ेगा तो बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, पर अगर एक लेवल से ऊपर हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि ऑक्सीजन और लाइट कम होने लग जाए, तब बायोडायवर्सिटी पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट होने लगा, इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट होने लगा कि एल्गी ने पूरे सरफेस कवर कर लिया है, नीचे ऑक्सीजन लाइट पहुंच नहीं पा रही है, तो खाना तो खूब अवेलेबल है, पर लाइट और ऑक्सीजन की कमी से प्रजातियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और एल्गी के अंदर रूट होती नहीं तो फ्लोट करता है, रूटलेस होता है, फ्लोट करता है। और इतना तेजी से एल्गी का ग्रो करने लगना, इसे ही कह देते हैं एल्गल ब्लूम। इतना तेजी से एल्गी ग्रो करने लगना, इसे ही कहते हैं एल्गल ब्लूम। और ओशियन वगैरह में आपको रेड कलर का एल्गी बहुत देखने को मिलेगा, वो अगर बहुत तेज ग्रो करने लगे तो रेड टाइड। एल्गी का बहुत ज्यादा ग्रो करने लगना एल्गल ब्लूम। और एल्गी के कई कलर होते हैं, ओशियन वगैरह में रेड कलर एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, उसे कह देते हैं रेड टाइड, रेड टाइड। तो यूट्रोफिकेशन भी एक कारण है जिससे बायोडाइवर्सिटी कम होने लगेगी, क्योंकि एल्गी अगर पूरा सरफेस कवर कर लेगा, नीचे ऑक्सीजन लाइट पहुंच नहीं पाएगी, जिसकी कमी से मछली वगैरह या जो वेजिटेशन है डेड होने लगेगा। तो यूट्रोफिकेशन कोई अच्छी चीज नहीं है, ये वाटर पॉल्यूशन को बढ़ा देता है। यूट्रोफिकेशन में हम ये देख रहे हैं कि वाटर पॉल्यूशन को बढ़ा देता है। पोचिंग शब्द का मतलब होता है शिकार करना, मतलब ये जानवरों को मारना, उनके बॉडी पार्ट्स बेच देते हैं, जानवरों को मार देते हैं उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने के लिए। जैसे वन हॉर्न राइनो काजीरंगा में जो एक सिंग वाला गैंडा है, बड़ा यूनिक है, उसको क्यों मार रहे हैं, उसके बॉडी पार्ट बेचने के लिए, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन या कह लें बायो एम्प्लीफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन क्या मीनिंग है? जैसे मान लो किसी फूड चेन में, मान लो जैसे ग्रास, ग्रास हूपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। ग्रास, ग्रास हूपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। आपने ग्रास के लेवल पे कोई केमिकल डाला, ग्रास के लेवल पे कोई केमिकल डाला, तो जैसे मान लो कि डीडीटी केमिकल, जैसे कि डीडीटी, अब ये केमिकल ग्रास के लेवल पे आया, एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, ना ये बॉडी में घुल रहा है ना बॉडी में निकल रहा है, लंबे समय तक इन केमिकल का प्रभाव बना रहेगा। ये केमिकल बॉडी में आया, ना घुल रहा है ना निकल रहा है, लंबे समय तक इन केमिकल का प्रभाव बना रहेगा। और ये जब ऊपर वाले इसको खाएंगे तो ये केमिकल ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता जाएगा, और जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर जाते हैं बॉडी साइज बढ़ने लगता है, मतलब एनिमल का फूड इनटेक भी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर के लेवल पे जाते जाते हैं बॉडी साइज बढ़ता जा रहा है, तो केमिकल इनटेक बढ़ता जाएगा, केमिकल कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, उसे ही हम कह रहे हैं बायो मैग्निफिकेशन, या कह लो बायो एम्प्लीफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन। तो एक ही लेवल पर केमिकल आके इकट्ठा हो गया, तब तो बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। एक ही लेवल पर केमिकल आके इकट्ठा हो गया तो बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। और फूड चेन के माध्यम से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर भी होता चला जा रहा है, तब इसको बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन। तो सबसे ऊपर जो ट्रॉफिक लेवल है, सबसे ऊपर जो स्पीसीज बैठी हुई है, उनको सबसे ज्यादा डैमेज करने लगेगा। सबसे ऊपर बैठी हुई जो प्रजातियां हैं उनको सबसे ज्यादा डैमेज करने लगेगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मिशिगन लेक में मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए केमिकल डाला गया था डीडीटी, आगे जाके देखा गया फूड चेन से होता हुआ पेलिकन बर्ड्स को नुकसान कर दिया, पेलिकन बर्ड्स को नुकसान कर दिया। ऐसे ही ब्रिटिश स्पैरो हॉक, इसकी पॉपुलेशन में कमी आ गई। तो मिशिगन लेक अमेरिका
मिशिगन लेक अमेरिका और पेलिकन बर्ड्स, इनकी पॉपुलेशन में कमी आ गई, उसका कारण यही था। इनकी पॉपुलेशन में जो कमी आई उसका कारण यही था, बायोमैग्निफिकेशन की वजह से ही कम हुए। कॉमन हाउस स्पैरो, घर में जो कॉमन गौरैया चिड़िया होती है, कॉमन हाउस स्पैरो, पेलिकन बर्ड, ब्रिटिश हाउस स्पैरो, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई डीडीटी के कारण। कॉमन हाउस स्पैरो, इसकी पॉपुलेशन कम हुई मोबाइल टावर रेडिएशन के कारण। ये जो कम हुई है मोबाइल टावर रेडिएशन के कारण, क्लियर है? तो पेलिकन बर्ड्स, ब्रिटिश हाउस स्पैरो, ये कम हो गई। कॉमन हाउस स्पैरो मोबाइल टावर रेडिएशन से कम हुई है। और इसके अलावा फिर मरकरी पॉइजनिंग वगैरह का कंसेप्ट वो कल बताएंगे, उसमें उसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं। कोई और कंसर्न, कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। सी वाटर का कलर ग्लेशियर की तुलना में डार्क होता है, तो अल्बिडो क्या होगा? कम होगा, कम होगा, एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। सी वाटर ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ग्लेशियर की तुलना में। ग्लेशियर हल्का कलर है तो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा। सी वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, ग्लेशियर रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा अल्बिडो की वजह से। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं।